फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सेगांव, जो महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव है, जहां पे गजानन महाराज का एक बहुत ही अच्छा मंदिर है, उस ट्रिप के बारे में बताऊंगा। देखते हैं गूगल में, यहां मुंबई से 8 to 9 hours की जर्नी पर ये गांव है। इसके लिए आपको ट्रेन और बसें दोनों ही मुंबई से आराम से मिल जाता है। हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ट्रेन ली थी, जो रात के 8 बजे थी, और जिस ट्रेन ने हमको सुबह 5:30 बजे सेगांव पहुंचा दिया था। तो मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे आप रुकने की व्यवस्था कैसे करेंगे और बाकी कैसे दर्शन करें, किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखें वहां पे, कौन कौन सी चीज़ें देखने लायक हैं और किस तरह का खाना वहां पे है। बहुत ही शुद्ध शाकाहारी खाना आपको मिलेगा, तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये हम ट्रेन में एंट्री ले रहे हैं। ट्रेन है अमरावती एक्सप्रेस और अंदर से इसका इंटीरियर बहुत ही अच्छा है। मुझे ट्रेन काफ़ी साफ लगी और यहाँ पे जो ट्रेन का गार्ड था और वर्कर थे वो अवेलेबल थे और काफ़ी क्लीन ट्रेन मुझे लगी। इस ट्रेन में आपको चाय और खाने पीने का कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट जर्नी की ट्रेन है। तो आई विल एडवाइस कि आप खाना और चाय लेके चलें, वरना आपको जो स्टेशन लोकल आते हैं उन पर जो भी चाय या खाने का मिलेगा वहाँ से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो अब हम ट्रेन में सेटल हो जाते हैं और मैं आपसे कल मिलता हूँ मॉर्निंग में, जब ट्रेन पहुँच जाएगी। जैसे ही हम सेगांव पहुँचे, हमने वहाँ पर लोकल मार्केट में सबसे पहले चाय पी, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले माइंड जो काम करता है वो चाय के लिए ही करता है। चाय पीने के बाद हमने काफ़ी सारे होटल्स ट्राई किए और वो बहुत ही छोटे और क्लीन नहीं थे, और फिर हमने किसी से एडवाइस ली और उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर बहुत सारे और स्टे के लिए बहुत सारी फैसिलिटी उपलब्ध है, जो गजानन महाराज के ट्रस्ट द्वारा बहुत सारे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और इस तरह से रेजिडेंसी बनाए हुए हैं जो बाहर से आने वालों के स्टे के लिए है। तो हमने आनंद विहार नाम से ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ गए, और आप देख सकते हैं ये कितना ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे इसको आप धर्मशाला भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा और साफ़ सुथरा क्लीन है। यहाँ पे आपको रुकने के लिए काफ़ी बड़े बड़े रूम मिलेंगे, जिसमें कम से कम 7 to 8 लोग एक रूम में रह सकते हैं। हमने जो रूम लिया था, क्योंकि हम 7 लोग थे तो एक रूम लिया था जिसमें 2 डबल बेड और 1 सिंगल बेड था, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। आफ्टर फ्रेश अप, अब बहुत तेज़ भूख लगी है, तो हम लोग कैंटीन की तरफ मूव हुए। और आपको आनंद विहार में एक बहुत बड़ा कैंटीन मिलेगा, जो इनका खुद का कैंटीन है, जहाँ पे आपको टोकन सिस्टम के जरिए आपका फूड मिलेगा। हमने टोकन ले लिए थे तो हम कैंटीन की तरफ मूव हुए। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका कैंटीन है जो काफ़ी बड़ा है, और सबसे मेन जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो है यहाँ की साफ सफाई और यहाँ के काम करने वाले लोग, जो आपको कुर्ता पजामा और टोपी लगाए हुए मिलते हैं।